नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसडीआरएफ ने चमोली के आपदाग्रस्त रैनी क्षेत्र में बनी झील का 35 फीट तक खोला मुहाना। निगरानी के लिए लगाए गए क्यूडीए सिस्टम ने शुरू किया काम। उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी। इंटरनेट से जुड़ेंगे राज्य के 12,000 गांव। योजना के संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अब डिजी लॉकर में अपलोड रखने होंगे अपने दस्तावेज। बायोमेट्रिक जांच के वक्त सत्यापन के लिए नहीं होगी मूल कागजात ले जाने की जरूरत। और पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचेरी में बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं गणित। गंभीर विषय में नवाचार से छात्र छात्राओं में पैदा हो रही सीखने की ललक। रिजल्ट भी आ रहा 100%। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक स्थित आपदाग्रस्त रैनी क्षेत्र में बनी झील से पानी की निकासी शुरू हो गई है। एसडीआरएफ के सेनानायक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जवान झील के मुहाने को और अधिक खोलकर उसका प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक झील के मुहाने को लगभग 30 से 35 फीट तक खोल दिया गया है, जिससे पानी काफी मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है। इस बीच झील की निगरानी के लिए एसडीआरएफ की ओर से लगाए गए क्यूडीए सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके जरिए कंट्रोल रूम को लाइव ऑडियो वीडियो भेजा जा रहा है। क्यूडीए के माध्यम से सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम में जलभराव क्षेत्र में स्थित सभी जवानों और वैज्ञानिक दल का स्पष्ट संवाद स्थापित हो गया है। झील क्षेत्र में 10 वैज्ञानिकों का दल भी मौजूद है। वहीं रैनी तपोवन क्षेत्र में आपदा के 16वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग मिल चुके हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन टनल से पानी की निकासी के लिए 3 वाटर पंप लगाए गए हैं। अब तक 29 मृतकों के परिजनों को कुल 1,16,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू बनी है। उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को भारत सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत उत्तराखंड के 12,000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। इस मुलाकात में चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। ये भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक, महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और आपदा के प्रति संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट परियोजना का समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उड़ान योजना में देहरादून पिथौरागढ़ हिंडन मार्ग और सहस्त्रधारा चिन्यालीसौड़ गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सदन में नवस्थापित हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एम्पोरियम का उद्देश्य उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विकास, विपणन और विक्रय करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को अच्छी कीमत और मार्केट मिल सके। ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अब अपने दस्तावेज डिजी लॉकर अकाउंट में रखने होंगे। बायोमेट्रिक जांच के वक्त सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते वक्त डिजी लॉकर में मौजूद अपने दस्तावेजों को वेबसाइट से लिंक कर बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। उत्तराखंड में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र और 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में यह सुविधा मिल रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दीपक जोशी ने बताया कि इस व्यवस्था से पासपोर्ट के लिए जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाला समय बचेगा। इसके तहत आवेदकों को, जो हमारे पासपोर्ट एप्लीकेंट्स हैं,
उनको एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट उनको वहां पे एक लिंक आता है डिजी लॉकर का. मतलब इसमें एक्सक्लूसिवली मैं ये बताना चाहता हूं कि एप्लीकेंट को करना है, उनको अपना डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, एड्रेस प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से रिलेटेड, और उसके बाद उन्हें अपना डिजी लॉकर में अपने को एंट्री करना है और उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है. अगर उन्होंने आवेदक ने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हैं और वो अप्लाई अगर उसके बिना कर देता है और फिर अब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उस समय उसको दिक्कत आएगी, उस समय वो लिंक नहीं हो पाएगा. बागेश्वर जिले के किसानों की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है. 66वीं स्कॉच प्रतियोगिता में कीवी उत्पादन के लिए जिले को स्कॉच सिल्वर मेडल से नवाजा गया है. ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिले को दिया गया. जिलाधिकारी ने इसे जनपद की बड़ी उपलब्धि बताते हुए किसानों और विभाग को बधाई दी. हमारे लिए बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज जनपद को जो हमारे ग्राम्य जो हमारा वाटरशेड जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कीवी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसको उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे देश भर से अन्य जो हमारे जिले हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके जो इनोवेटिव वर्क्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट करते हैं, और उन सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सिल्वर अवार्ड मिला है. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है. स्कॉच अवार्ड भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजना और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है. वर्तमान में बागेश्वर जिले में लगभग 200 क्विंटल कीवी उत्पादन होता है. 2025 तक 1500 क्विंटल कीवी की पैदावार का लक्ष्य रखा गया है. कीवी को न तो जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं और न ही ये जल्द खराब होता है, जिस वजह से यही किसानों की आर्थिकी को सुधारने में मदद कर रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जानवरों से बचाया निजात मिल रही है, जानवर इसको खा नहीं रहे हैं. और दूसरी चीज है, उत्पादन करने के बाद कोई चीज हम उत्पादित करते हैं वो तुरंत खराब हो जाती है, लेकिन कीवी जो है वह इसकी कीपिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और इससे हमारे किसानों को अच्छा रेट भी मिल रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर बागेश्वर जिले को पुरस्कार मिलने से किसान भी काफी खुश हैं. उनका कहना है कि इस अवार्ड के लिए जिले को चुना जाना गौरव की बात है. वर्तमान में हमने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का फल पैदा करने में हम सक्षम हो गए हैं, और इस सफलता को देखते हुए क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में काश्तकार प्रेरित हुए हैं और वो भी बगीचा लगा रहे हैं, और हमें लगता है कि भविष्य में इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कीवी का उत्पादन हो सकता है. आय दोगुनी वाली बात है तो उसमें मैंने देखा कि इसमें आय दोगुनी में हमारी आय इसमें जो है 10 गुनी हो सकती है, तो इसको लेकर के हम भी जागरूक किया और हमने देखा और हमने काम स्टार्ट किया. प्रेजेंट टाइम पे मैंने अभी जो है 1300 पौधे कीवी के लगाए हुए हैं. रानीखेत में एसएसबी का 11वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. इस मौके पर बल के उप महानिरीक्षक मनमोहन कांडपाल ने अधिकारियों और कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक और महानिदेशक के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि एसएसबी ने गत वर्ष बॉर्डर पर हथियारों और वन्य जीवों की तस्करी सहित कई प्रकार की तस्करी में लिप्त 245 लोगों को गिरफ्तार किया. मानव तस्करी से संबंधित 17 मामले पकड़े गए. इनमें 19 महिलाओं और बच्चियों को मुक्त कराकर उनके घर पहुंचाया गया. ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन होता है. पहले तो कोई बल की स्थापना और उसकी इकाइयों की स्थापना, उस बल के जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उस दिवस को मनाने से उन जवानों का मनोबल बढ़ता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के में भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें पकड़ने की. 21 तस्करों को हमने गिरफ्तार किया, लगभग इतने ही हमने 20-21 महिलाओं को और बच्चियों को भी जो है बचाया. गणित जैसा कठिन विषय खेल खेल में और गीतों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, ये साबित किया है राजकीय इंटर कॉलेज खोला चैरी के शिक्षक वीरेंद्र खंकरियाल ने. उन्होंने नवाचार से गणित जैसे विषय के लिए छात्र छात्राओं में ललक पैदा की है, जिससे इस विषय में 100% रिजल्ट मिल रहा है. बच्चे गणित की कक्षाओं में खासी रूचि भी ले रहे हैं. हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, हमारे सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. पहले मेरी मैथ्स में इतनी रुचि नहीं थी, पर जब मेरी बहन ने मुझे कि सर
कई तरीकों से सिखाते हैं यहाँ पे, गीतों के माध्यम से और अपने सामने सिखाते हैं, तो मेरी मैथ्स में एक्स्ट्रा रुचि हुई। जैसे कि ये जाली है, ये हमें घरों में ही मिल जाती है। इससे हमें जैसे जो ग्राफ होते हैं उसके हर ब्लॉक का पता चल जाता है, और इसे जो हमने एक इसको घन, इससे घन का भी पता चले जाता है, और हमने इससे घन बनाया है अपने घर की वस्तुओं से। राजकीय इंटर कॉलेज खोला चेरी में गणित की एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जहां स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सामान का उपयोग कर गणित सिखाने के उपकरण बनाए गए हैं। सहज उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर प्रयोगशाला में होता है, जो बच्चों के लिए इस कठिन विषय को सरल भी बनाती है। शिक्षक वीरेंद्र गणित को रोचक बनाने के लिए गढ़वाली गीतों का भी सहारा ले रहे हैं। गढ़वाली लोकप्रिय गीतों की पंक्तियों में गणित के सूत्रों को पिरोकर वे इसे समझा रहे हैं, जिसे बच्चे बड़ी सरलता से आत्मसात कर रहे हैं। वीरेंद्र खंकरियाल को उनकी उपलब्धि के लिए 2020 में शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुझे देखने में आया कि बच्चे अपने गुनगुनाते रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इनका उपयोग जो है गीतों में करें। तो हमारे नयन सिंह नेगी जी के गीत सांस्कृतिक गीत हैं और उनमें बच्चे अधिकतर रुचि रखते हैं, तो उन गीतों में बहुत ही गणित है। तो जैसे बोर्डमास होता है कोष्ठकों का जोड़ घटाना गुणाभाग, तो नेगी जी का गीत है कि जतन कर लावा कर्म कर लावा, तो उसमें एक शब्द आता है भाग जोग। तो भाग जोग को हमने भाव से भाग, गौ से गुणा, जोड़ जो से जोड़, और गौ की जगह घौ हम वहाँ पे बच्चों को समझा देते हैं घटाना, कि इस तरह से आप ब्रैकेट में सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाने की संक्रिया को पूरा करेंगे, तो बच्चे की रुचि जाग जाती है। देहरादून नगर निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम फैसला लिया गया है। निगम ने पेड़ काटने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए शर्तें और शुल्क तय किया है। आवासीय प्लॉट में पेड़ काटने पर प्लॉट मालिक को प्रति पेड़ ₹2,000 जबकि व्यावसायिक प्लॉट में ₹10,000 प्रति पेड़ शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही आवासीय प्लॉट के स्वामी को किसी भी भूमि पर 5 पौधे जबकि व्यावसायिक प्लॉट के स्वामी को 10 पौधे लगाने होंगे। पौधरोपण की फोटो नगर निगम में जमा कराए जाने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को एनओसी जारी की जाएगी। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नगर निगम ने यह फैसला लिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, ये पर्यावरण की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, तो आमतौर पर जो पेड़ों को काटने के लिए जो डोमेस्टिक घरों से आते हैं परमिशन के लिए, फॉरेस्ट विभाग हमारे एनओसी के लिए भेजता है, तो उसमें ये नियम बनाया गया है कि ₹2,000 उसकी वो प्रोसेसिंग फीस देंगे और साथ ही 5 पेड़ लगाएंगे और उसका प्रमाण पत्र फोटो जब लगा के भेज देंगे तब उनको इसकी अनुमति दी जाएगी। यदि उनके पास जगह नहीं है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, वो भी संभव ना हो तो 5 पेड़ नगर निगम में ला कर दें, नगर निगम लगवाएगा। और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी वहां पर अगर पेड़ काटा जाता है तो ₹10,000 हर पेड़ के हिसाब से उसकी कटिंग की परमिशन दी जाएगी और 10 पेड़ उनको लगाने पड़ेंगे। मानव और वन्यजीव संघर्ष को किस तरह कम किया जाए, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत वॉलेंटरी विलेज वन्यजीव प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से पौड़ी जिले के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के मैदान रेंज में ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। वन्यजीव विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचने और उनसे दूर रहने के संबंध में जानकारी दी, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी जाना। ग्रामीणों का कहना था कि उनके खेतों को सबसे अधिक नुकसान हिरण पहुंचा रहे हैं, इस कारण उनके गांव में पिछले 10 साल से अनाज उत्पन्न नहीं होता। कॉर्बेट पार्क की वजह से आज तक उनके गांव में ना तो बिजली पहुंची है और ना ही पानी। उनका कहना था कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग को ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वर नहीं आता है, हमारे यहाँ आता है जड़ाव, और जड़ाव घर के आगे पीछे सब खा जाता है, इसलिए वहाँ खेती नहीं होती। तो हम विभाग से ये मतलब ऐसा चाहते हैं कि भाई इसमें सौर सर्किट लगे और कुछ लाइट का प्रबंध करें कि जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा की, वो लगवाएं। जी, मेन मकसद इनका था कि मानव और वन्यजीव संघर्ष जो हो रहा है आपस में, इसकी रोकथाम कैसे हो और क्या हो। और ये हम भी चाह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट विभाग और गांव वाले आपस में मिलकर काम करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि गांवों के आसपास तारबाड़ की जानी चाहिए ताकि जंगली जानवर आबादी से दूर रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों को बताया गया कि वे किस तरह जंगली जानवरों से खुद की और अन्य लोगों की
सुरक्षा कर सकते हैं। जंगली जानवरों से नुकसान ही हो चुके हमारे जो खेती चे धान है गेहूं मंडुआ सब तक खाली कर देना बिल्कुल नुकसान हो जाने बाघ भी आना चाहिए गोर बछरू तभी मार देना चाहिए कई समस्या थी हमारे बच्चा भी जन खेलना जाने सांबा का तंदी रह जाए तो फिर रुक तब देखी भी डर लगन। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है और उसका कैसे निराकरण किया जाए उस चीज के ऊपर ये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था ताकि जितनी भी इनकी आजीविका है आजीविका के ऊपर कोई असर ना पड़े और ना तो जानवरों को नुकसान हो ना इंसान को नुकसान हो। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 घर बनाए जा रहे हैं। नगर निगम से चिन्हित लोगों को लॉटरी के माध्यम से ये घर आवंटित किए जाएंगे। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और भारत सरकार की एजेंसी के बीच इसके लिए अनुबंध हो चुका है। इस योजना को साल 2017 में सरकार से मंजूरी मिली थी लेकिन भूमि चयन में आई अड़चनों के कारण इसमें विलम्ब हुआ। वर्तमान में मोदी मैदान में इनका निर्माण किया जा रहा है। चिन्हित आवेदक को 1 BHK आवास आवंटित किया जाना है जिसके लिए आवेदक को सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि 1872 आवासों के अलावा शेष भूमि पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पार्क बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे शहरी नगर निकाय क्षेत्र के जो भी लाभार्थी हैं उनको इसमें आवंटन किया जाना है आवास का, जिसमें 1872 टोटल हमारे मकान बनने हैं। इसमें उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की संस्था वेबकास्ट के साथ अनुबंध किया गया है और उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।